अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सी एंड क्राफ्ट विद अमतिया। मैं कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे कुर्ते का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन, कलियों वाला कुर्ता, बॉयज़ का कुर्ता फिटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये वाला उसका छोटा सा कुर्ता लिया है। इसका हम मेजरमेंट करेंगे, जो इसकी टोटल लेंथ है वो 13 इंच है। तो हम जो इसका मिड वाला है वो पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, वो हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसे हम डबल कर लेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके अब इसका मेजरमेंट करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इसको और एडजस्ट करते हैं साइड पे। तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और यहाँ से भी। अब इसकी लेंथ देखनी है हमने कितनी रखनी है। ये छोटे बच्चे का कुर्ता है और इसको स्टिच करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो इसकी लेंथ है वो 17 इंच रेडी है, तो हम इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, 18 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, ये जो इसके साथ एक्स्ट्रा पट्टी है वो हम कट कर लेंगे। इसका दरमियान वाला है अब इसके साथ हम कलियां कट करेंगे। कलियों के लिए हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेना है और हमने मेजरमेंट करना है कि हमें कितना कलियों के लिए कपड़ा चाहिए। जो हमें कलियों के लिए कपड़ा चाहिए वो हम 4 इंच रेडी है, तो हम 5 इंच रखेंगे। इस तरह जब हम इस तरह इसे डबल फोल्ड करें दोनों साइड से, अब इसका मेजरमेंट करते हैं तो ये 5 इंच आ रहा है। स्टिचिंग में भी आना है। इसकी जो हमने टोटल लेंथ रखी है वो 20 है। इसका मेजरमेंट करते हुए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब इसे बराबर करते हुए इस तरह हम बराबर रखेंगे और अब इसका मेजरमेंट करें, ये 4.5 इंच है इधर से भी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे कलियों की। ये इसकी इस साइड पे आएगा इस तरह और ये इसकी दूसरी साइड पे इस तरह। अब इसके बाजू कट करेंगे। बाजू को इस तरह डबल फोल्ड करें।
इसको बाजू रख के भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और इसको हम इस तरह इंची टेप के साथ मेजरमेंट करें तो ये रेडी 8 इंच है, तो हम रखेंगे 9 इंच, 9 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे, कुर्ते के बाजू में तो हम इसे सीधा रखेंगे इस तरह दोनों साइड पे। इसकी एक साइड पे ये आएगा और इसकी दूसरी साइड पे हम इस तरह लगाएंगे। ये मैंने इसकी कलियां काट ली हैं इस तरह, इसके दोनों साइड पे इस तरह ये पैनल है और ये बाजू है। ये गले पे मगजी लगाने के लिए मैंने रेब में कपड़ा काटा है। सबसे पहले हम इसका गला बनाते हैं, इधर पट्टी लगाते हैं और इन पैनल को हम इसके साथ जोड़ते हैं कुर्ते के साथ। ये इसका बैक पैनल है और ये इसका फ्रंट वाला। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। गले को हमने गोलाई में काट लेना इस तरह, और यहाँ से हम कट लगाएंगे। ये दो पट्टियाँ मैंने काटी हैं, एक थोड़ी सी छोटी है और जो बारीक है ये वाली इस तरह रखूंगी इसके अंदर, इस तरह करते हुए स्टिच करूंगी, और ये इसके ऊपर, और इसके बैक साइड जोड़ के इसके गले पे 1 इंच कपड़ा काट के रेब में इसकी मगजी लगाती हूँ और इसके साथ बाजू को अटैच करती हूँ। इसके गले की स्टिचिंग कर ली है, इसकी मगजी लगाई है। अब इसकी इस साइड पे शोल्डर के नीचे इस तरह समोसियाँ अटैच करेंगे दोनों साइड से इस तरह। इनको स्केयर में काट लेना है 2-2 इंच पे और इस तरह दोनों साइड पे अटैच करेंगे और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं कुर्ते की। कुर्ते की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये इसकी कलियां डाली हैं और ये इसके बाजू, और इसके अंदर मैंने ये वाले समोसे इस तरह अटैच कर दिए हैं दोनों साइड पे, और इसके गले पे मैंने मगजी लगा दी है। ये देखें इसका शलवार है इसके साथ। आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा, छोटे बच्चे के लिए इस तरह का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।